नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे एक पैरालिसिस पेशेंट जिसके हाथ में जीरो पावर है उसमें कैसे हम फंक्शनिंग लेकर आ सकते हैं, कैसे उसको अपने हाथ की इस तरह से एक्सरसाइज करनी चाहिए, इस तरह से अपने ब्रेन की ट्रेनिंग करनी चाहिए कि उसकी जिस हाथ में बिल्कुल जीरो पावर है, जिसको उठाना, जिसको चलाना, जिसकी फिंगर बिल्कुल नहीं हिलती, उसमें कैसे पावर आ सकती है, कैसे हम ब्रेन को हम प्रमोट कर सकते हैं, कैसे हम ब्रेन को पुश कर सकते हैं उस हाथ को ठीक करने के लिए। क्योंकि पैरालिसिस जो है उसका सबसे बड़ा रीज़न होता है ब्रेन स्ट्रोक, यानी ब्रेन के अंदर हुए सेल्स को हुए नुकसान। और ये नुकसान दो तरीके से होता है, या तो उसमें ब्रेन क्लॉट हुआ होगा या तो उसमें ब्रेन हैमरेज हुआ होगा। दोनों ही कंडीशन के अंदर आपके दिमाग को नुकसान पहुँचता है। उस दिमाग को ठीक करने के लिए, दिमाग की दोबारा से फंक्शनिंग लाने के लिए, दिमाग को दोबारा से हाथ को कंट्रोल करने के लिए एक लॉन्ग प्रोसेस होता है। जब आपको पैरालिसिस हुआ था, जब आपको ब्रेन स्ट्रोक हुआ था, तो वो दिन याद करो। जब आप वो दिन याद करोगे तो आप समझ जाओगे कि आपकी कंडीशन बिल्कुल डिफरेंट थी, आप बिल्कुल बेड पे थे, बिल्कुल नहीं हिल पाते थे। मगर धीरे 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 6 महीने के अंदर आप में अंदर बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट आई। ये इंप्रूवमेंट आपको चलाने लायक हो गई, आपको चल लेते हो, मगर आप में वो ताकत नहीं आ पाई, वो पावर नहीं आई भाई, वो कंट्रोल नहीं आ पाया जो एक नॉर्मल इंसान के अंदर होना चाहिए, जो एक आपके अंदर होना चाहिए। हम आपको इस वीडियो के अंदर यही बताएंगे कि अगर आपका पैरालिसिस के बाद हाथ में पावर जीरो है, बिल्कुल नहीं हिलता, उंगलियां बिल्कुल नहीं मूव करती, कैसे आप उसको पावर लेकर आ सकते हो, कैसे उसमें पावर डाल सकते हो जो आपकी फिंगर चलनी भी लग जाए। इसके लिए आपको समझना पड़ेगा अपने ब्रेन को और ब्रेन कैसे काम करता है। क्योंकि अगर आप इसे समझ जाओगे तो आगे मैं आपको जो बताने वाला हूँ आप उस प्रोसेस को भी समझ जाओगे। जब आपके ब्रेन के अंदर ब्रेन स्ट्रोक हुआ था, क्लॉट आया था या ब्रेन हैमरेज हुआ था, तो आपके ब्रेन का एक बड़ा हिस्सा डैमेज हो गया। अब जब डैमेज हो गया मीन्स वो वहाँ पर वहाँ की जो सेल्स हैं वो मर गए, वो जो काम करते थे अब वो काम नहीं हो पा रहा। और वो सेल्स क्या काम करते थे, आपके हाथ पैर की मसल्स को वो मूव करते थे, अब वो नहीं हो पा रहा। मगर आपके ब्रेन ने क्या किया, आपके ब्रेन के दूसरे सेल्स जो बिल्कुल सही हैं उन्होंने इस मरे हुए सेल्स के काम को लेना शुरू कर दिया। और जब ये काम लेना शुरू करेंगे तो आपके हाथ पैर में थोड़ी सी मूवमेंट तो आ गई, बट वो पूरी ताकत नहीं आ पाई, वो पूरा कंट्रोल नहीं आ पाया। अगर हम इस हाथ की कंट्रोल को लेकर आना चाहते हैं, हाथ में बिल्कुल पावर लेकर आना चाहते हैं, तो हमें वर्क करना पड़ता है अपने ब्रेन में। और यही हम करते हैं साइंस संजीवनी में, कि आपका पैरालिसिस ट्रीटमेंट आपके हाथ पैर का नहीं होता, ट्रीटमेंट होता है आपके ब्रेन का। जब हम आपके ब्रेन की वो मेडिसिन देते हैं तो आपके ब्रेन का जो हीलिंग प्रोसेस होता है, जो ये जो प्रोसेस होता है जो आपको 6 मंथ्स में दिखा और फिर वो रुक जाता है, उसी प्रोसेस को हम आगे फॉरवर्ड चलाते हैं। आपके ब्रेन के अंदर जो सेल्स हैं, आपके जो लॉस्ट फंक्शन है उसको लेना शुरू करते हैं, दोबारा से आपकी मसल्स का कंट्रोल लेना शुरू करते हैं। क्योंकि ये ब्रेन के हिस्से बिल्कुल नए होते हैं, वो काम जिंदगी में पहली बार कर रहे होते हैं, इसलिए उन सेल्स को, उन स्पेशलाइज सेल्स को ये अंडरस्टैंड करवाना कि इस हाथ की मसल्स को इतना मूव करने के लिए, इतना चलाने के लिए किस तरह से मैसेज भेजना है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो जितने भी पेशेंट पैरालिसिस के होते हैं उनके अंदर हम एक बहुत कॉमन चीज़ देखते हैं कि पेशेंट के पैर चलना शुरू कर देते हैं। पेशेंट खड़ा होता है, चलता है, डेली चलने की कोशिश करता है तो वो चल जाता है, मगर उसका जो हाथ है वो इग्नोर कहीं ना कहीं रह जाता है, कि उसके हाथ के अंदर वो ताकत नहीं आ पाती, वो पावर नहीं आ पाती, वो काम करने लायक नहीं बन पाता। तो अगर आप ऐसे किसी हाथ में दोबारा से पावर लेकर आना चाहते हैं तो पहली चीज़ हमें क्या करनी पड़ती है, हमें अपने ब्रेन के सेल्स को, ब्रेन को समझाना पड़ता है कि आपका ये हाथ बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप जितने भी पैरालिसिस के पेशेंट देखोगे वो क्या करते हैं कि वो एक ही हाथ से सारा काम कर लेते हैं, कपड़े पहनना, कंघी करना, सब कुछ। आपके आप इमेजिन भी नहीं कर पाओगे, अगर पेशेंट का लेफ्ट हैंड पैरालिसिस है तो वो बिल्कुल डेड होता है, राइट हैंड से सारा काम कर लेते हैं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, उनका लेफ्ट हैंड काम नहीं कर रहा। तो क्योंकि आपके ब्रेन ने इस हाथ को सेंस नहीं किया, आपके ब्रेन को नहीं लगता कि इस हाथ को ठीक करने की ज़रूरत है, तो वो उस पर अपनी एनर्जी भी वेस्ट नहीं करता। मगर अगर आप चाहते हो अपने पैरालिसिस वाले हाथ के अंदर पावर लाना, तो अपने ब्रेन को अपने हाथ की
जो इम्पोर्टेंस है वो आपको बतानी पड़ती है, आपको बताना पड़ता है कि आपका ये हाथ भी बहुत ज़रूरी है, आपका लेफ्ट हैंड बहुत ज़रूरी है, इसको पैरालिसिस नहीं रहने दे सकते, इसलिए आपको अपने राइट हैंड की ज़रूरत पड़ती है। अभी कैसे राइट हैंड आपकी लेफ्ट हैंड की मदद करता है मैं आपको समझाता हूँ। अभी तक आप क्या करते थे, अपने राइट हैंड से सारे काम कर ले करते थे, आपने अलमारी खोलनी है तो खोल ली, सामान उठाना है, रिमोट उठाना है, फ़ोन चलाना है, सब कुछ राइट हैंड से हो जाता है, आपने लेफ्ट हैंड को कभी यूज़ नहीं किया। मगर अगर आप अपने राइट हैंड से अपने लेफ्ट हैंड की मदद करोगे हर काम करने में, सामान उठाने में, डोर खोलने में, कंघी करने में, तो क्या होता है कि आपके ब्रेन इसे सेंस करना शुरू कर देता है, ब्रेन को इसकी रिक्वायरमेंट समझ में आती है कि इसके बिना मेरी दाल नहीं गलने वाली, इसके बिना मेरा काम नहीं चलने वाला। तो वो क्या करता है कि इसको ठीक करने के लिए, क्योंकि आपका आप परेशान हो रहे हो, आपके हाथ को उठाना पड़ रहा है, उसे मजबूरी महसूस हो रही है, उसे परेशानी हो रही है, तो वो सोचता है कि इसको अब ठीक करने का टाइम आ गया है, सब ठीक कर दो, इसमें पावर डालनी शुरू कर दो। तो अगर आपके पैरालिसिस वाले हैंड में, चाहे राइट हो लेफ्ट हो, पावर जीरो हो, बिल्कुल ना हिलता हो, तो अपने सही हाथ से उसको उठाओ, सामान पे रखो, उसको इधर से उधर रखने की कोशिश करो। दिन में जो भी आप काम करते हो, चाहे टीवी का रिमोट उठाना है तो आपने सही यूँ पकड़ा हो, यूँ उठाया, उसको करोगे ब्रेन उसे सेंस करेगा। दोनों हाथ से उसे पकड़ने की कोशिश करो, जब तक आपको दिक्कत महसूस नहीं होगी आपका ब्रेन उसे सेंस नहीं कर पाएगा और ब्रेन उसमें काम नहीं कर पाएगा। ये चीज़ जो मैं आपको बता रहा हूँ ये फिजियोथेरेपी से बिल्कुल अलग होती है। फिजियोथेरेपी में क्या होता है कि आप बैठे रहते हो, फिजियोथेरेपी चाहता है आपकी हाथ की थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करवाया, घंटा डेढ़ करवाया और चला गया। मगर जब आप इस चीज़ को खुद करते हो तो आपके ब्रेन को उसके अंदर जो दिक्कतें हैं, जो कंप्लेंट्स हैं, जो उसके अंदर कमियाँ हैं वो महसूस होती हैं। फिजियोथेरेपी आपके हाथ की मसल्स को ठीक शेप में रखने के लिए ठीक है, मगर वो अगर एक आपके 6 मंथ्स क्रॉस हो चुके हैं, आपके ब्रेन के अंदर हीलिंग प्रोसेस रुक चुका है, तो आप जितनी मर्जी फिजियोथेरेपी करवा लो, जितने मर्जी साल करवा लो, आपको अपने हाथ के अंदर मूवमेंट तब महसूस होगी जब आप अपने ब्रेन के अंदर मूवमेंट करोगे, जब ब्रेन की ज़रूरतों को पूरा करोगे, कि ब्रेन को ये लगे कि ये हाथ ज़रूरी है, तभी वो इस पर काम करेगा, तभी वो अपनी एनर्जी लगाएगा, तभी वो जो अपने पाथवेज होते हैं, जो हमारी बॉडी के अंदर नेटवर्क होता है नर्व सेल्स का, जो हर एक मसल्स को मूव करता है, हर एक हमारी छोटी छोटी चीज़ों को कंट्रोल करता है, वो दोबारा से एक्टिवेट हो पाता है, दोबारा से फंक्शनिंग में आ पाता है। ब्रेन की जो नया हिस्सा है जो दोबारा से कंट्रोल करना शुरू करेगा इसको, और वो इसमें क्या होता आता है, एक्सपर्ट बन जाता है, उसको पता है कि मुझे अगर ये वाली मसल हिलानी है तो इस वाले रास्ते से आपने कंट्रोल करना है। तो ये सब सीखने के लिए, ये सब सिखाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है पहले ब्रेन के लिए उस चीज़ की रिक्वायरमेंट को बनाना। जब आपकी ब्रेन की रिक्वायरमेंट कैसे बनेगी, जब आप इस हाथ को मजबूर करोगे काम करने के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए नहीं, काम करने के लिए, उसे रिक्वायरमेंट बताओगे कि अगर मैं ये नहीं कर पाऊंगा तो मैं खाना नहीं खा पाऊंगा, अगर मैं अपना हाथ यूज़ नहीं करूंगा तो मेरी कंघी ढंग से नहीं हो पाएगी, अगर मैं अपना हाथ ठीक नहीं करूंगा तो कपड़े ढंग से नहीं पहन पाऊंगा। तो ये रिक्वायरमेंट जब आप उसे बताओगे कि ये हाथ आपके लिए बहुत ज़रूरी है, इसे ठीक करना, तो वो उस पर ऑटोमेटिक तरीके से वर्क करना शुरू करता है, क्योंकि यही प्रोसेस हम यूज़ करते हैं CIMT की तरह, कांस्टेंट इंड्यूस मूवमेंट थेरेपी के अंदर, जिसके अंदर हम एक हाथ पूरा बंद करवा देते हैं। कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनके अंदर हाथ में मूवमेंट होती है बट वो सही तरीके से नहीं होती, पूरा कंट्रोल नहीं होता उसके अंदर, तो हम पेशेंट का पूरा हाथ बंद करवा देते हैं। पेशेंट का जो सही हाथ है, हम ये कहते हैं कि अगर मान लो आपके राइट हैंड में मान लो कि पैरालिसिस है और इसमें थोड़ी बहुत मूवमेंट है, ये हिलता है, थोड़ा थोड़ा हिलता है, थोड़ा थोड़ा काम कर लेता है, सही तरीके से पकड़ नहीं पाता, ग्रिप नहीं बन पाती, तो पेशेंट का जो हाथ बिल्कुल सही है उसको हम बंद करवा देते हैं, टाई अप करवा देते हैं कि 3 हफ्ते के लिए इस हाथ को आप बंद कर दो, जो चुन्नी डाल के गले में डालो, इसके हाथ को कम से कम यूज़ करना है। अब पेशेंट क्या करता है, टेढ़े मेढ़े हाथ से जैसे तैसे करके अपने सारे काम करना शुरू करता है, और एक महीने से भी कम 3 हफ्ते के अंदर पेशेंट के हाथ के अंदर वो मूवमेंट्स आनी शुरू होती हैं जो पेशेंट ने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं की होती, कभी उसे उम्मीद ही नहीं होती कि इसके अंदर इतने चेंजेस आ जाएंगे। इसी तरह हम इसको यूज़ करते हैं, इसी तरह से हम यूज़ कर रहे हैं जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि पेशेंट के हाथ में इतनी भी ताकत नहीं है कि वो दोनों हाथ को एक हाथ से काम कर सके, सॉरी, तो आपने क्या करना है, दोनों हाथों से इस्तेमाल करना है जिससे आपके ब्रेन उसे सेंस करना शुरू कर दे। और एक बार आपके हाथ में थोड़ी सी मूवमेंट आ गई, थोड़ा सा वो काम अपने आप उठाने लग जाएगा, तो हम आपका जो सीधा हाथ है, जो सही हाथ है, जो पूरी फंक्शनिंग है, जिसमें कोई कमी नहीं है,
उसको बंद करवा देंगे और इसके अंदर इतने फास्ट चेंजेस आएंगे जो आप खुद इमेजिन नहीं कर सकते, जो आपको शायद किसी डॉक्टर ने नहीं बताया होंगे, कहीं आपको ये चीज़ नहीं बताई जाती कि अगर आप अपना सही हाथ को बंद कर देते हैं कॉन्स्टेंट इंड्यूस मूवमेंट थेरेपी से, आप अपने उस हाथ के अंदर ताकत लेकर आ सकते हैं, पैरालिसिस वाले हाथ में ताकत लेकर आ सकते हैं। तो आपको अगर पैरालिसिस को जीतना है, पैरालिसिस से आपको निकलना है, दोबारा से अपने चलना है, दोबारा से अपनी हाथ में पावर लेकर आनी है, तो इस बीमारी को समझो, अपने ब्रेन को समझो कि किस तरह से एक छोटे से क्लॉट ने आपके ब्रेन के अंदर नुकसान पहुंचाया, किस प्रकार से एक छोटे से ब्रेन हैमरेज ने आपकी ब्रेन की फंक्शनिंग को कम किया, तो ही जाकर आप इस बीमारी से निकल पाओगे, इससे उभर पाओगे, दोबारा से चलने लायक बन पाओगे, दोबारा से काम करने लायक पाओगे। तो जितने भी पेशेंट होते हैं साइंस इंजीनियरिंग के, जितने भी पेशेंट हैं पैरालिसिस के, उनको मेरी हमेशा से यही एडवाइस होती है, प्लीज़ एंड प्लीज़ अपनी बीमारी को समझो। आपके हाथ पैर में 1% की भी कमी नहीं है, आपकी मसल्स ओके हैं, आपकी बोन्स ओके हैं, आपकी वहाँ की नर्व्स ओके हैं, दिक्कत आपके ब्रेन में है कि ब्रेन की जो पावर है आपके हाथ पैर को कंट्रोल करने की वो नहीं है, और वहीं पे ध्यान लगाओ, वहीं पे कंसंट्रेट करो। एक बार आप उस दिक्कत पे कंसंट्रेट करना शुरू करोगे, उसी पे काम करना शुरू करोगे, जो आपके रुके हुए रिजल्ट्स हैं वो दोबारा से आने शुरू हो जाएंगे। जो आपके 6 मंथ के बाद, आपके स्टॉक पड़ने के बाद 6 मंथ के बाद आप मेडिसिन कर रहे हो और आपको इम्प्रूवमेंट नहीं मिल रही, वो इसलिए नहीं मिल रही क्योंकि आप मसल्स पे काम कर रहे हो, अपने हाथ पैर पे काम कर रहे हो। उसे शिफ्ट करो ब्रेन पे, जहाँ क्लॉट आया था, जहाँ ब्रेन हैमरेज हुआ था, और फिर रिजल्ट सीखो। अपने ब्रेन को समझने की कोशिश करो कि ब्रेन क्यों काम करता है, कैसे काम करता है। तो आप जब इस चीज़ को समझ जाओगे तो डेफिनेटली आपको पैरालिसिस के अंदर वो चेंजेस नज़र आने शुरू होंगे, वो मूवमेंट्स आनी शुरू हो जाएंगी, वो आप काम करना शुरू कर दोगे जो आप चाहते हो। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो हर एक पैरालिसिस पेशेंट को बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है, अपने बिल्कुल ज़ीरो पावर हैंड से दोबारा उसमें पावर लाने में। अगर फिर भी आपके माइंड में कोई भी डाउट हो तो नीचे दिए नंबर पर कॉल कर आप हमारे साइंस इंजीनियरिंग डॉक्टर से कंसल्टेशन ले सकते हैं। आप मेरे क्लिनिक पर विजिट कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट लेकर मेरे से आकर मिल भी सकते हैं। अब हमारी साइट scienceengineering.com में जाके और दूसरे पेशेंट्स के इंटरव्यूज भी दे सकते हैं। वहाँ पे मैंने छोटा सा फॉर्म दे रखा है, उसे फिलअप कर आप हमारे डॉक्टर्स को अपनी कंडीशन के बारे में बेटर एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो हर एक पैरालिसिस पेशेंट को हेल्प करेगी अपनी जीरो पावर में, जीरो हैंड पावर के अंदर पावर लाने में, और मैं इसी के साथ आपसे चलने की आगे चाहूँगा। धन्यवाद।